आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सिरमौर के दो दिवसीय दौरे के दौरान नाहन में आयुष अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने निर्देश दिए कि अस्पताल में चल रहा आधुनिकीकरण का काम 2 माह में पूरा किया जाए। अस्पताल में मरीजों को बेहतर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 1,90,00,000 रुपए की लागत से कार्य शुरू किया गया है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुर्वेदिक अस्पताल के नवीनीकरण का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने कार्य को रफ्तार देने और आगामी 2 माह में कार्य पूरा कर अस्पताल जनता को समर्पित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यहां मसाज थेरेपी समेत अन्य आयुर्वेदिक आधुनिक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। आज जो है मुझे जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नाहन की जो बिल्डिंग का कार्य है उसको निरीक्षण करने का मौका मिला है और मैंने ये पूरी बिल्डिंग को देखा है जिसका काम बहुत धीमे तरीके से चल रहा है, क्योंकि कोविड में जो आयुर्वेदिक की बिल्डिंग थी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, वो मेडिकल कॉलेज को दी गई है क्योंकि स्पेस की कमी थी, और ये वाली जो साइंस ब्लॉक कॉलेज का हुआ करता था इसको आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट को दिया है। इस पे 1,90,00,000 रुपए की लागत से इसको जो है दोबारा से इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसका इंटरनल ढांचा इसको चेंज किया जा रहा है, इसमें एक लिफ्ट भी लगेगी। और मैंने आज PWD के विभाग के सभी कर्मचारी SC साहब है, XN साहब है, उनके साथ इसको विजिट किया और मैंने कहा है इनको कि इस बिल्डिंग को 2 महीने के अंदर जो है इसको कंप्लीट किया जाए ताकि ये इसका उद्घाटन हो और फिर विधिवत रूप से जो है ये जनता को समर्पित हो बिल्डिंग, क्योंकि अभी जो है वो सिर्फ यहाँ जिला स्तर पे OPD ही चल रही है, जो इंडोर पेशेंट की वो नहीं चल रही है। और PWD विभाग ने मुझे आश्वासन दिया है कि विदिन 2 मंथ्स जो है इसको बिल्डिंग को बना करके तैयार कर दिया जाए होगा। ये वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इसमें जो आयुर्वेदिक मसाज है, थेरेपीज है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका जो है उसको हम यहाँ इस हॉस्पिटल में जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।